गाइस, मैं इस वजह से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आज मौसम मस्त हो रहा है। इस मौसम देखो, एकदम मस्त हो रहा है और वहाँ पे पतंगे भी उड़ रही हैं। मैं इस वजह से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मुझे बिहार निकलना है और मैंने सोचा अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। शेरू शेरू, चल तू भी मेरे साथ गाँव, चल जल्दी चलते हैं और पैकिंग वैकिंग करते हैं चल के अब उस वाले घर पे। बाय बाय शेरू, बाय। चलो भाई, तो अभी अपना बैग नहीं सूखा है तो बैग को भी सूखने देते हैं। अभी बैग सूख चुका है और अभी ये कपड़े पैक करते हैं। मैंने अभी आधा पैकिंग कर लिया है और आधा सुबह करना बाकी है। मिलते हैं आपसे सीधा सुबह। गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और टाइम हो रहा है 3:55। तो गाइस, जल्दी तैयार होते हैं और निकलते हैं, मेरी 6 बजे की ट्रेन है। अभी 5:05 हो चुके हैं और मैं तैयार हो चुका हूँ, तो गाइस निकलते हैं अब। तो गाइस, अभी ट्रेन आने वाली है, बस बैठते हैं फिर। आपको लगा होगा अब मैं ट्रेन दिखाऊंगा, तो नहीं गाइस, मेरी ट्रेन मिस हो चुकी है और मैं अभी घर पर आ चुका हूं। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं क्योंकि मेरी 12 घंटा पहले ट्रेन मिस हुई है सुबह के 6 बजे। तो गाइस, अभी पापा खेत में काम कर रहे हैं और हम भी कुछ काम करते हैं। और गाइस, हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम पोपट हो गया, थंबनेल भी अभी यही बन जाएगा गाइस। तो देखो गाइस, खेत में कितना बड़ा घिया निकला है। लो पापा, पकड़ो, काटो। गाइस देखो, बहुत भारी है, मेरे तो हाथ में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। अरे हट जा शेरू, तेरे लिए नहीं है भाई, ये सब्जी है भाई, घर ले जाने दे, हट। तो गाइस, बस आज कुछ इतना ही शूट किया है मैंने और गाइस सारा मूड खराब हो चुका है। तो बस गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस, आपने एक